हमारे देश का कृषि मंत्री कौन है? आई डोंट नो। ये कौन है? सिसोदिया। ये MSP क्या होता है, बता सकते हैं इसके बारे में? मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। MSP वो मल्टी कुछ है ना, मिनिमम वो प्राइस का कुछ है वो। हेलो फ्रेंड्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो भाई साहब, जो दिल्ली की जनता है ये किसानों का नाम सुनकर बड़ी भावुक हो जाती है। कहते हैं कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसानों के साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन क्या ये जानते हैं किसान आखिर होते क्या है? तो भाई साहब, किसानों का काम आखिर क्या होता है, थोड़ी सी भी नॉलेज है? तो इन्हीं सवालों की लिस्ट लेकर आज हम आए हैं दिल्ली की गलियों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं हमारे देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? कृषि मंत्री कौन है? अभी तो अमित शाह का अंडर में है। राकेश टिकैत। ये कौन है? सिसोदिया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं पता, मुझे नहीं पता ना। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री? आई डोंट नो। नहीं नहीं, तुम सब बात थोड़ी वो यार। ये हमें ये MSP क्या होता है, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। MSP के बारे में जानकारी? MS का मतलब हमें नहीं पता ना। MSP MSP के बारे में हमें इतना। I don't know। MSP वो मल्टी कुछ है ना, मिनिमम वो प्राइस का कुछ है, वो मिनिमम प्राइस वाला कुछ है ना। MSP में कुछ है कि समर्थन मूल्य, कुछ जो मतलब किसान है उनका जो फसल है उसको बेचते हैं तो गवर्नमेंट शायद उस पर कुछ सब्सिडी देती है। yes। है ना, तो वही होगा। मुझे इतना नॉलेज नहीं है पर जितना मैं जानती हूँ। पर किसान मेहनती होता है किसान। अब देखो क्या नाम है, एक से एक गरीब भी और एक से एक अमीर भी है। पैसे वाले भी किसान और गरीब इंसान भी किसान भी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले ही रहे, बस वही वाला इमेज है मेरा। तो सबसे बड़ा इमेज ये बनती है कि उन लोग को हमें सपोर्ट करना चाहिए, उन लोग जो कर रहे हैं ये चीज को लेके सपोर्ट करना चाहिए। मेरे दिमाग में ऐसी इमेज बनती है कि भाई मैं भी एक उस तरह का फार्मूला डालूं और मैं भी। किस तरह का? जो फार्मर हमारे उनकी इतनी अच्छी तो नहीं है कंडीशन, उन्हें तो ऐसे कुछ नहीं बनती। काम पर मेहनत करते हैं। आई थिंक कुछ कुछ सही भी है। बायरा में फर्स्टली इनकी जो किसान होते हैं वो अपनी खेती बाड़ी छोड़ के रोड पे नहीं बैठेंगे और इनको बहुत टाइम हो चुका है। अब अगर प्रधानमंत्री जी इतना दिन तक मान लेते तो शायद उन लोग भी चले जाते घर। अब जब उन लोग मान नहीं रहे तो उन लोग बैठे हैं, उनका भी मजबूरी है। उन लोग क्यों बैठे रहेंगे, इतना एज लोग बैठे हैं, लेडीज बैठी है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। कुछ तो रीजन होगा तभी ना बैठे हैं, क्यों बैठे रहेंगे? तो वही होगा, कुछ रीजन है उन लोग को। ट्रैक्टर ले आओ चाहे हवाई जहाज ले आओ ना, कुछ नहीं मिलना। इसमें थर्ड पर्सन यूज होता था, जैसे हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर की वो होती है जहाँ पे हम अपना माल वाल बेचते हैं। क्या कमाऊंगा क्या बचाऊंगा, सिंपल सी बात है ना। काफी टफ क्वेश्चन है बाकी फार्मर्स के लिए, इतना करेंगे जो उनकी डिमांड है। असंभव क्वेश्चन, पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग उस मतलब सोच सकते हैं। चिंता है वो इस बात से है कि बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाएंगी, लैंड खरीद लेंगी तो उसके ऊपर एक बिल आएगा कि ऐसे वो लैंड ना खरीद पाए और उनकी मोनोपोली ना हो। किसानों के लिए आज तक तो मैंने ज्यादातर कोई सुना ही सफाई वगैरह कर देते थे, इस पर कुछ करते हैं। फार्मर्स से पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कि किस चीज को कैसे हम सही कर सकते हैं। जो अभी का है एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मुझे वही नहीं पता, वही नहीं पता, वही नहीं पता। अगर आपको मौका मिलता है फार्मर बनने का, या आपने कहा कि आप लोग हाउसवाइफ हैं और अगर आपके बच्चों को आप फार्मिंग में सेक्टर में इसमें जाना चाहे, एक्चुअली आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं अपनी बेटी को मैं बताया बेटा सबसे अच्छा है कि आप फार्मिंग में जॉइन करो, सबसे अच्छा है। मैं अभी आपको नहीं बोल रही हूं, एक्चुअली ये बात सही है। अच्छा, वैसे क्यों नहीं जाना चाहते लोग खेतीबाड़ी में, क्या दिक्कत हो रही है? जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, अपनी सर्विस पैरों पर खड़े हैं तो क्यों जाएंगे खेतीबाड़ी? अगर आपको कभी मौका मिले फार्मर किसान बनने का तो बनेंगे।